इन क्लास, बड़ा चैप्टर नेम है आपके ऐसे ऐसे। ये ऐसे बच्चे की कहानी है जो स्कूल का होमवर्क टाइम पे कंप्लीट नहीं करता और जब उसको होमवर्क नहीं होता तो स्कूल जाने से डरता है और नए नए बहाने बनाता है। ठीक है, इस पार्ट में आप मोहन है, मोहन नाम का बच्चा है, उसके मम्मी पापा है, डॉक्टर है, एक वैद्य जी और मास्टर जी है, ये सारे इस चैप्टर में इनके पात्र है। तो क्या होता है कि मोहन अचानक दर्द से तड़हा उठता है और जब उसकी मम्मी पूछती है, उसकी माँ पूछती है, बेटे क्या हुआ आपको, ऐसे क्यों कर रहे हो, तो बस पेट पकड़ के बोलता है मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है, मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है। अब उसको क्या हो रहा है वो समझा नहीं पाता। उसकी मम्मी पूछती है तुमको पेट में जलन हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन मोहन क्या बोलता है, पेट पकड़ के मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि उसकी मम्मी जो माँ है वो घबरा जाती है और वो उसके पिता से कहती है कि पता नहीं मोहन को तो कौन सी भयानक बीमारी लग गई, ये मेरा बच्चा तो इसका मुंह बिल्कुल उतर गया और ये तो ऐसे ऐसे बोले जा रहा है। मोहन के पिताजी वैद्य को फोन करते हैं। थोड़ी देर बाद वैद्य जी आते हैं, वो आके मोहन की नाड़ी देखते हैं और उनको कहते हैं कि भाई इसका पेट खराब है, कब्ज हो रही है, ये वाला चूर्ण आप देना सही हो जाएगा। और मोहन से वो पूछते हैं बेटे क्या हुआ आपको, तब भी वो ऐसे ही बोलता है मेरे को तो ऐसे ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो वैद्य जी भी नहीं, वैद्य जी अपनी दवाई देके चल जाते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर मोहन से पूछते हैं भाई क्या हुआ है आपको, तब भी वो एक ही चीज की रट लगाए रहता है मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है और उसका चेहरा बिल्कुल फीका हो जाता है, बिल्कुल दर्द से करहा होता है। तो डॉक्टर उसको चेक करते हैं लेकिन उनको कोई बीमारी नजर नहीं आती। फिर भी उनको लगता है कि हो सकता है पेट में कुछ खाया पिया, कुछ गलत खा लिया, उस वजह से हो गया होगा। तो वो मोहन की मम्मी से पूछते हैं भाई क्या खाया, तो उसने कहा सिंपल सब्जी रोटी खाई थी और कुछ नहीं खाया इसने ऐसा। तो डॉक्टर फिर भी कोई दवाई लिख के चला जाता है पर बच्चा बार बार सारे दिन ऐसे करता है मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उसकी मम्मी पापा बहुत परेशान हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक पड़ोसन आती है, पूछती है क्या हुआ मोहन को, तो माँ बड़ी चिंतित होकर उसको बोलती है कि अरे तो बार बार ऐसे ऐसे कर रहा है, पता नहीं इसको क्या हो गया। तो कहती है आजकल तो नई नई बीमारियां चल रही है, डेंगू, चिकनगुनिया, पता नहीं क्या क्या बीमारियां चल रही है, पता नहीं मेरे बेटे को तो कौन सी बीमारी हो गई। तभी अचानक मोहन के जो मास्टर जी है वो घर में आते हैं। जैसे ही मास्टर जी घर में आते हैं तो मोहन की माँ मास्टर जी से कहती है कि आज तो मोहन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। बोले क्या हो गया, बोले ऐसे ऐसे। मास्टर जी तो मास्टर जी होते हैं, ठीक है, तो वो समझ जाते हैं। वो मोहन के कमरे में जाते हैं और मोहन से पूछते हैं क्या हुआ, उसको कोई जवाब नहीं दे पाता। तो कहता है आपने अपने स्कूल का काम पूरा किया था, सच बोलो। तो उसने कहा स्कूल में उसने स्कूल का काम पूरा नहीं किया। तो मास्टर जी हंसते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें स्कूल आने के लिए नहीं कहूंगा, तुम छुट्टी कर लेना, पर मुझे बताओ तो सही क्या है। तब वो बोलता है कि उसने स्कूल का काम पूरा नहीं किया था इसलिए उसने ऐसा बहाना बनाया। आप लोग भी बच्चों बनाते हो ना, कई बार टीचर कॉपी चेक करता है, मैम कॉपी घर पे रह गई, या मैम कल हम शादी में चले गए थे, या मैम हम कहीं बाहर घूमने चले गए थे, या मैम हमने कॉपी रखी तो थी पता नहीं मिल नहीं रही। तो मोहन भी ऐसा ही बच्चा था, वो स्कूल का वर्क उसने नहीं किया था और स्कूल की छुट्टी करने के लिए उसने ऐसे ऐसे का बहाना बनाया था। ठीक है, तो अभी आप इस चैप्टर को रीड करोगे, क्वेश्चन आंसर देख लो। क्वेश्चन फर्स्ट है, सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है, उसका दरवाजा सड़क के बाहर बरामदे में खुलता है, उस पर फोन रखा है। बच्चे बोल रहे हैं या तो डायग्राम बनाना है, चित्र बनाना है। तो ये स्टार्टिंग में जब आप देखोगे तो उसमें एक सुंदर सा कमरा है, उसमें सोफा रखा हुआ है, फूलदान रखा हुआ है, बीच में टेबल रखी हुई है, ठीक है ना, दो तख्ते हैं, गमले रखे हुए हैं। तो ये आपके फर्स्ट पैराग्राफ में जो है आप उसको लिखना भी है और इसकी एक पिक्चर भी बनानी है। ठीक है, इसके बाद है आपका माँ मोहन की ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी। माँ मोहन की ऐसे ऐसे कहने पर इसलिए घबरा रही थी कि माँ को लगा मोहन को बड़ी बीमारी हो गई है, बड़ी भयानक बीमारी हो गई है। ऐसे समझ में माँ इसलिए घबरा रही थी क्योंकि उसको लगा कि मोहन को कोई बड़ी भयानक बीमारी हो गई है। ऐसे कौन कौन से बहाने जिन्हें मास्टर जी एक बार में सुनकर समझ जाते हैं, कुछ बहानों के बारे में लिखो। तो बच्चों बहाने तो आपको बहुत सारे पता होंगे, तो आपको वही पांच बहाने लिखने हैं, जैसे कॉपी घर पे रह गई, शादी में गया था, कॉपी खो गई, कोई भी पांच बहाने आपको लिखने हैं, वो बताने की जरूरत नहीं, आपको सब कुछ पता है। स्कूल से काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। मान लो एक बार सचमुच में पेट दर्द हो गया, उसकी बातों पे लोगों ने विश्वास नहीं किया तो मोहन पे क्या बीतेगी। हाँ बच्चों, मोहन ने हमेशा झूठ बोला बीमार होने का नाटक किया।
ऐसे ऐसे का बहाना बनाया। अगर कभी उसको सच में पेट में दर्द हुआ या सच में उसको कोई बीमारी हुई तो कोई भी उसका विश्वास नहीं करेगा, चाहे वो माता पिता हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे मास्टर जी हो, कोई भी उसका विश्वास नहीं करेगा। और अगर वो सच्ची में बीमार हो गया तो उसको बहुत तकलीफ होगी, बहुत दर्द होगा, लेकिन घर वाले उसकी बात का विश्वास नहीं करेंगे। तो मोहन को अगर सच में ऐसे ऐसे हुआ तो वह बहुत तकलीफ में आ जाएगा, लेकिन कोई उसका इलाज नहीं करवाएंगे। ठीक है, बस इसमें यही क्वेश्चन है। तो तीन क्वेश्चन आप ये करोगे, एक क्वेश्चन ये करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैप्टर एट ऐसे ऐसे इसको पढ़ना है, बहुत मजेदार पार्ट है। वैसे मैंने कहानी आपको संदीप की बता दी इस चैप्टर में क्या है, फिर एक बार आपको रीड करना है और इसके तीन क्वेश्चन तो ऊपर वाले।